दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने केवल 22 साल की उम्र में ही शारीरिक संबंध बनाकर अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। ये अभिनेत्री कौन है और किसने इसकी सील तोड़ी, उस आदमी का नाम क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को कृपया लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और फिट अभिनेत्री है और कुछ अभिनेत्री ऐसी भी हैं जो काफी उम्र की हो चुकी हैं लेकिन खूबसूरत और फिटनेस के मामले में तो कई अभिनेत्रियों को मात देती हैं। इनमें से एक है शिल्पा शेट्टी। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में से एक है। शिल्पा अपनी फिटनेस और खूबसूरती पर बहुत ध्यान देती हैं। तभी तो 43 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो 25 साल की लगती हैं। वैसे तो शिल्पा ने अब बॉलीवुड फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है लेकिन वो आज भी अपने फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने इस बार ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में एक कंटेस्टेंट के तौर पर भाग लिया था। इस शो में लिए गए इंटरव्यू में शिल्पा ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताई थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब वो 22 साल की थी तब उन्हें पहला प्यार हुआ था जिसके बाद उन्होंने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। शिल्पा शेट्टी को जिससे प्यार हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार थे। उन दिनों शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार के अफेयर की खबरें आए दिन सामने आती रहती थी लेकिन उनका यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया है, साथ ही आज भी अक्षय फिल्मी दुनिया के स्टार हैं। हर साल अक्षय की एक या दो फिल्में रिलीज होती ही हैं। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है लेकिन आज हम उनकी फिल्मी दुनिया के बारे में नहीं बल्कि उनकी लव लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में कदम रखा ही था तभी उनको एक 63 साल की अभिनेत्री से प्यार हो गया था और वे उनके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। वो अभिनेत्री कौन है और उनके और अक्षय कुमार के संबंध कैसे थे, ये जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में हम अक्षय कुमार की एक ऐसी गंदी हरकत के बारे में बताएंगे जिसे आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम जिस बूढ़ी अभिनेत्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है रेखा। रेखा 80 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने आज तक कई अभिनेताओं के साथ अभिनय किया है लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रेखा एक विधवा है। रेखा ने सन 1990 में उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। आपको बता दें कि शादी के एक साल बाद ही रेखा के पति का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था जिसके बाद रेखा ने अब तक शादी नहीं की है लेकिन आज एक विधवा होने के बावजूद रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरती है। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की तो एक जमाने में अक्षय और रेखा के संबंधों को लेकर तरह तरह की चर्चा होती थी। इन दोनों ने फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में एक साथ अभिनय किया था। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे जिसके बाद दोनों में प्यार हो गया था और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था लेकिन उसी दौरान अक्षय की लाइफ में अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना की एंट्री हुई थी जिस वजह से अक्षय ने रेखा से रिश्ता खत्म कर दिया था। तो दोस्तों अक्षय ने 63 साल की रेखा में ऐसा क्या देखा जो वे उसके प्यार में पागल हो गए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।